साथियों, मैं दिल्ली से चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा बोल रही हूँ और मेरे पास कुछ पर्चियां हैं। ये मई महीने की हैं और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मई महीने की 5 मई की पहली पर्ची है। एक कलर डलवाया 65 रुपए था। उसके दूसरी पर्ची आप देखिए, ये पेट्रोल डलवाया 14 मई को, 14 मई को 1000 रुपए का 66 रुपए हो गया, 65 से 66 हो गया। अब मेरे हाथ में पर्ची है 18 मई की, आप देखिए 18 मई को पेट्रोल के दाम हो गए 67 रुपीज, 1000 रुपए का पेट्रोल फिर डलवाया 67 रुपीज। ये मेरी तीसरी पर्ची है जो मैंने पेट्रोल डलवाया 23 मई को पेट्रोल हो गया 68, डीजल हो गया 68 से ऊपर प्रति लीटर। अब आज की पर्ची मेरे हाथ में है, आज की पर्ची 69, लगभग 70 रुपए प्रति लीटर डीजल पड़ा है। दो पर्ची, तीन, चार, पांच, छह पर्चियां हैं। ये 6 की 6 पर्चियां मई महीने की हैं। 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 6000 रुपया महीना पेट्रोल डीजल पे खर्च हो चुका है मई महीने में। सिर्फ 6 पर्चियां हैं अभी मेरे पास। अगर मैं आपको दिखाऊं कि 10 पैड भी पड़ा है तो 10000 रुपए में कितनी गाड़ी चली, 2 या 3 दिन नहीं, क्योंकि रोज आना लगभग नहीं तो 50 किलोमीटर से ऊपर जो है हमें अपनी विधानसभा क्षेत्र में जो है काम करने पड़ते हैं। और पेट्रोल डीजल के दाम बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अब उल्टा नारा हो गया, बहुत हुई मोदी की मार, अब ना आने पाए भाजपा की सरकार, अब ये नारा देना होगा। कल प्रधानमंत्री जी को देखा होगा, कड़कती धूप में लोगों को खड़ा किया कि प्रधानमंत्री जी रोड शो करेंगे, चारों तरफ भीड़ चाहिए थी, लोगों को कड़कती धूप में मजबूर किया गया कि खड़े रहिए, इज्जत की बात है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को, लोगों को खदेड़ खड़े तदेड़ के तड़प धूप के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर पे प्रधानमंत्री जी के काफिले को देखने के लिए खड़ा किया गया। और वही वो गरीब आम आदमी भी खड़ा था जिसके पास अपनी एक गाड़ी के अंदर, स्कूटर और बाइक के अंदर पेट्रोल डीजल डलाने के लिए हिम्मत नहीं हो रही, वही देश का फकीर कहता है वो 16 गाड़ियां, 16, वही मैं वही बता रही थी, 16 गाड़ियां का काफिला लेकर रोड शो करते हैं 45 डिग्री टेम्परेचर पे गरीब मजदूर आम आदमी, क्योंकि अदानी अंबानी नहीं खड़े हुए थे सड़क के उस किनारे पे प्रधानमंत्री जी को हाथ हिलाने के लिए, या उम्मीद करके वो अदानी अंबानी नहीं, एक आम आदमी आया होता शायद प्रधानमंत्री जी से बात कर पाता, जो हाथ हिलाकर निकल गए कि हम बताएं कि कितना महंगाई की मार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम आदमी को कितनी परेशानियां हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी 16 गाड़ियों के काफिलों को लेते हुए हाथ हिलाते हुए ऐसा लगा एक भद्दा मजाक करते हुए कल अपने रोड शो से चले गए। किसी को नहीं सुना कि किसान, गरीब आम आदमी वहां खड़ा था। आप उनसे पूछते पेट्रोल डीजल की मार तो नहीं पड़ रही आपके ऊपर? अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब तेल की कीमतें बिल्कुल जमीन पे थी तब भी आपने 1 रुपया कीमत कम नहीं की। और आज हवाला देते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अब बहुत ऊंची हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं जब बिल्कुल जमीन पर थी तब भी आपने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लाखों करोड़ों रुपए आपने और आपकी तेल की कंपनियों ने आम गरीब आदमी के जेब में डाके डालकर कमाए हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी, हम विधायक हैं, मई महीने की 10 पर्चियां हैं 1000-1000 रुपए की, 10000 रुपया हमें ये पर्चियां देकर सरकारी आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायकों को कोई पैसा नहीं मिलता है, ये हमारी तनख्वाहों में से जाता है। और तनख्वाह कितनी है? 52000 सब मिलाकर, 52000 जिसमें से 10000 रुपया सिर्फ इस महीने में 1000 की 10 पर्चियां हैं पेट्रोल में चले गया। जब हमें इतनी परेशानी आ रही है तो मुझे ये बताइए गरीब आम आदमी को कितनी परेशानी आ रही होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप चाइना गए, रशिया गए, अभी मैंने सुना है आप बांग्लादेश और अभी आप इंडोनेशिया सिंगापुर जा रहे हैं और फिर चाइना जाएंगे अगले महीने, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि दिल्ली देश का आम आदमी
किस तरीके से महंगाई से जो है वो जूझ रहा है। आपने 16 गाड़ियों का तमाशा एक करके दिखाया और ऐसा लगा कि आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं उस गरीब आम आदमी के, जो इतनी महंगाई में अपनी बाइक स्कूटर में भी जो है पेट्रोल डीजल नहीं भरवा पा रहा है। महंगाई चरम पर है, आपको एहसास है, क्योंकि आप तो अपने पकवान बनाने वाले रसोइयों को अपने साथ लेकर जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए आप अपने प्रचार पे खर्च करते हैं, आपके डिजाइनर सूट आप पहनते हैं। आपसे क्या उम्मीद की जाए कि गरीब आम आदमी 65 रुपए था इसी मई महीने 2018 में, शुरू में 65 रुपए था, आज महीना अंत होते होते ही 70 रुपए तक पहुंच गया है डीजल। मेरे हाथ में पर्चियां हैं, हम आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ये पर्चियां हमें सरकारी गाड़ी नहीं है, ना सरकारी पेट्रोल है, ना ये पर्चियां देकर हमें कोई पैसा मिलने वाला है। हम अपनी तनख्वाहों में ईमानदारी से किस तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं, ये 16 गाड़ियों का सरकारी गाड़ियां सरकारी पेट्रोल के काफिले निकालने वाले परिधान मंत्री चौकीदार एक फकीर नहीं समझ सकता है। मत इतना भद्दा मजाक करिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मत इतना भद्दा मजाक कीजिए लोगों के साथ कि डीजल पेट्रोल गैस के सिलेंडर महंगाई के दाम बढ़ रहे हैं और आप अपने 4 साल के जश्न में डूबे हुए थे। किस बात का जश्न मना रहे हैं आप, किस बात का जश्न? ये सच्चाई है पेट्रोल डीजल की जो पर्चियां हैं, चुनाव आ गए हैं, पहुंचाइए इन पेट्रोल कंपनियों के मालिकों को मुनाफा, बहुत मोटा, लाखों करोड़ों रुपया कमाया आपने, जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिला है, कोई लाभ नहीं मिला है, क्योंकि आपको मोटा चंदा चाहिए। थोड़ी सी भी कतई भी शर्म बची हो, अपने नारे याद हो, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये नारा हो गया बहुत हुई मोदी की मार अब की बार, ना आने पाए भूल से भी भाजपा संघियों की सरकार। जय हिंद, जय हिंद।